हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी कीड़ा पे। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो पेपर जो है इसको अपलोड होने में टाइम लग गया, लेकिन कल जो है काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल के एग्ज़ाम के बच्चों का पेपर है और काफ़ी बच्चों ने कहा कमेंट करके कि हमें बताना है, आप बताइए कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो क्लास 9 का ये जो पेपर है, ये बेसिकली जो सपोर्टिंग मटेरियल मिलती है स्कूल में बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, तो वो है ये, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पेपर दिया होता है गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको जो है उसमें दो पेपर दे रखे हैं। आपको अगर दोनों पेपर पे अच्छे से कर लोगे, काफ़ी हद तक आपको पता चल जाता है कि पेपर कैसा, किस पैटर्न का आने वाला है, ठीक है। अभी हाल ही में एक बच्चे का एग्ज़ाम हुआ था, अभी साइंस का जो हुआ था 9th क्लास का, वो काफ़ी एग्ज़ाम जो है काफ़ी ईजी जो है NCERT बुक से ही आ रहा है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है 9th वालों के लिए। आपको क्या करना है, बस ये जो पेपर के एनालिसिस है वो ध्यान से देखना है, बाकी नॉर्मल चीज़ें करके जाना है। एंड में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको पेपर को करना है और किस तरह से पेपर करने से आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि बच्चे लास्ट में ये कहते हैं कि पेपर तो फिर भी ठीक था, हमें आता था, लेकिन काफ़ी कुछ छूट गया, कर नहीं पाते हैं। तो उसको कैसे दूर करें, किस तरह से हम सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ किस तरह से हम मैक्सिमम मार्क्स को उठा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या क्या चाहिए। 3 घंटे का टेस्ट रहेगा और 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर ए से। चलिए, सेक्शन ए का जो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है, राइट द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। देखो, पहले समझते हैं हेमिस्फीयर जो होता है हमारा इस शेप का होता है, ठीक है। ये शेप जो होती है वो क्या होती है, हमारी हेमिस्फीयर की होती है, ठीक है। ये जो इसका सरफेस एरिया जो होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया बोला। टोटल का मतलब होता है ये ऊपर से ढका हुआ है। ढका हुआ कहने का मतलब ऊपर क्या, हमारे पास ऊपर क्या है, एक सर्कल है, तो 2πr² में, और सर्कल क्या होता है, एरिया πr², तो 2πr² प्लस में πr² कितना हो गया, 3πr², तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, 3πr का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल, अगर ट्राइंगल की साइड को डबल कर दिया जाए तो बताओ उसके एरिया में क्या फर्क आता है। तो पता चल जाएगा, मान लीजिए पहले एरिया जो है ट्राइंगल का वो दे रखा है 1/2 × बेस × हाइट। ये नॉर्मल एरिया मतलब BH/2 है, लेकिन कहते हैं BH/2 है, लेकिन अब जो है साइड जो है डबल कर दिया, मतलब B क्या कर दिया, 2B कर दिया, और H क्या कर दिया, 2H कर दिया। अब देखते क्या फर्क पड़ेगा, तो नया जो एरिया निकल के आएगा वो हो जाएगा 1/2 × बेस 2B है और × हाइट 2H है। ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 खत्म, 2BH निकल गया। पहले BH/2 था, अब ये हो गया 2BH, तो कितना बढ़ गया, 2BH − BH/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 4BH − BH/2, तो आ जाएगा 3BH/2, ठीक है। BH/2 क्या है, पहले वाला एरिया, तो कितना टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब अगर ट्राइंगल की साइड्स को डबल कर देंगे तो उसका जो एरिया जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस तरह का डायग्राम है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है, और चूंकि ये CBSE वाले जो है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ये सपोर्टिंग मटेरियल डाला होता है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको ध्यान से देखना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो कह रहा है, अगर 2x की वैल्यू y है तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। देखो स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, ये हमेशा लीनियर पेयर से बनता है। कहने का मतलब है, टोटल सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल x प्लस में y, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, x प्लस में y, कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। इसने यहाँ पर एक बात कही है कि y की जगह तुम लिख सकते हो 2x, तो जहाँ पर y है वहाँ के लिखेंगे हम 2x, लिखेंगे इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और यहाँ से x के लिए कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। x कितना आ गया, 60। अगर ये 60 आ गया है तो y कितना होगा, 120, क्योंकि y क्या है, ट्वाइस ऑफ x है। अगर x 60 आ गया तो y क्या होगा, इसका दुगना होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट −7/5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो ये लाइन हो गया हमारे पास, ये हो गई 0, ये हो गई −1/5 −2/5 −3/5 −4/5 −6/5 और −7/5, तो सिंपल नंबर होगा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि −7/5 को रखेगा, क्योंकि वो बस उन्होंने इतना ही देखा होता है, 0, ये 1, ये 2, लेकिन इनके बीच को हमने क्या करा, एक्सपेंड करा है। तो 0 के बाद डायरेक्ट कुछ भी नंबर आप पर आता है, −7/5 आया, कुछ और होता है, −1/4 होता, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, −1/4 −2/4 −3/4 ऐसे स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जब भी क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट 0 लिखना है और सीधा काउंटिंग स्टार्ट कर देना 1 से लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट पे वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर हम चेक करें
तो ये होता है हमारे पास x, ये होता है माइनस x, ये होता है y और ये होता है माइनस का y, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई पॉइंट यहाँ पड़ेगा ठीक है तो उसका y में इम्पैक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर कोई पॉइंट यहाँ भी पड़ेगा तो भी उसमें y में क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा तब भी उसका y क्या होगा, नेगेटिव होगा, अगर वो फोर्थ में आएगा तो भी उसका y क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ इसमें लिखना आपको, ठीक है। उसका सिक्स क्वेश्चन देखते, कहता है हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस टू, कह रहे कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। अगर मान लो केवल एक सॉल्यूशन हो रहा है तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, दो हो रहा है तो टू सॉल्यूशन, तीन से ज्यादा हो रहा है तो मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की जगह 1 रखेंगे ठीक है तो y कितना निकल के आएगा, अगर हम x की जगह क्या रखते हैं 1 तो y कितना निकल के आएगा, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, अगर मैं x की जगह रखता हूँ 2 तो y कितना निकल के आएगा 4, फिर मैं 3 रखता हूँ x तो y कितना निकल के आएगा 5। तो ऐसे जितनी जल्दी मैं x की वैल्यू डालता रहूंगा वैसी वैसी मेरे को y की वैल्यू क्या होती जाएगी, मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं इसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्या लिखना है यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक नंबर का सिर्फ आपको डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें डायरेक्ट थर्ड एंड फोर्थ ये बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक नंबर पर टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, चलिए सेक्शन है वो हमारा हो गया। अब क्या है हमारे पास सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो है सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। आपके सेक्शन में जो आएगा वो 2 मार्क्स आएगा, सेक्शन के सारे जो थे वो 1 मार्क्स के थे। कह रहा है राइट द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशियंट का मतलब होता है जो भी जिस भी चीज़ के कॉफिशियंट निकालना होता है उसके साथ जो भी कांस्टेंट जुड़ा होता है उसे उसको क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट बोलते हैं, जो भी नंबर जुड़ा हो। तो कह रहा है इन द फॉलोइंग, देखो हम इसमें ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर का हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं है जिसका कोई नहीं होता, उसका मैथ में 1 होता है, माइनस है तो कितना आएगा, माइनस का 1 का कॉफिशियंट हो गया। इससे पूछ रहा है बताओ कॉफिशियंट कितना होगा। देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट पूछा है, हमें एक्स का कॉफिशियंट नहीं पूछा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं, तो एक्स का कॉफिशियंट कितना हो गया, 0। लेकिन अगर एक्स का पूछता है तो कितना आता, रूट 2 निकल गया था, तो हमें एक्स स्क्वायर का पूछा था तो इसलिए कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दे रखा पी क्यू एस पी आर टी, ये समथिंग है, कह रहा है इन फिगर पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है। अगर ध्यान रखना किसी भी फिगर पे अगर एक जैसे साइन बने, जैसे यहाँ पे सिंगल बनाए यहाँ पे सिंगल, तो इसका मतलब होता है दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल दे रखा, तो कहता है शो दैट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। अब ये बताओ क्या कहते हैं, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, ठीक है, क्या होगा, या ये छोड़ो, हमें क्या गिवन है, ये गिवन दे रखा ना, तो इसी को लिख लो काम का। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हो गया, ये दे रखा था गिवन है, ठीक है। अब पी क्यू आर कैसे आया होगा, पी क्यू आर कैसे आया होगा, ये पूरा होता 180 डिग्री, अगर मैं 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल निकल के आता था, तो पी क्यू आर की वैल्यू लिख सकता हूं मैं 180 डिग्री माइनस में एंगल पी क्यू एस लिख सकते हैं। ऐसे सिमिलरली ये पी आर क्यू, ये वाला एंगल कब आया होगा, जब पूरा 180 जो है 180 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये निकल के आएगा, तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस में एंगल पी आर टी, ठीक है। 180 से 180 खत्म, तो माइनस में पी क्यू एस इक्वल टू हो गया माइनस में पी आर टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं, इसके द्वारा यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एक्स बन रहा है और ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक ये थ्योरम है, इसकी याद रखना, दो पॉइंट से सेंटर पे जो भी एंगल बनता है उन्हीं दो पॉइंट से कहीं भी एंगल बना लो, इसका हमेशा ये हाफ होता है। दोबारा सुनो, दो पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनता है उन्हीं दो पॉइंट से सर्कल पे कहीं भी एंगल बना लो, सेंटर वाला एंगल जो होगा वो ऊपर वाला एंगल का हमेशा ट्वाइस होगा, ठीक है। तो एंगल x क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 120 डिग्री, ठीक है। थ्योरम याद होगा आपको, थ्योरम क्या कहता है, इस दो पॉइंट से मान के चलो, ये दो पॉइंट से यहाँ पर x मान के चलो यहाँ पर बन रहा है 20 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और इन दो पॉइंट से यहाँ पर एंगल बना रहा है ऐसे करके, तो पूछ रहा है पेपर होता है ये वाला एंगल कितना होगा, तो अगर सेंटर में 20 बना रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 10 डिग्री का। इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन भी आता है बहुत बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए, कहेगा ये सर्कल है, ठीक है, और ऐसे लिए डायमीटर है, ए ओ बी के है डायमीटर है और ये वाला एंगल,
ठीक है बताओ, ये सी मान लेते हैं, ठीक है बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, कुछ नहीं दे रखा, सीधा पूछा वाला एंगल कितना होगा, ये दो पॉइंट से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, ये लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और इन्हीं दो पॉइंट से ऊपर एंगल बन रहा है वो क्या होता है हमेशा आधा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13, दैट द ग्रेटेस्ट एंगल क्या हुआ क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम ना क्या मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो, ठीक है, बी मल्टीपल ऑफ एक्स। तो अब एंगल क्या बन गए, 3x, 5x, 9x, 13x। अब हम इसे एंगल की तरह यूज कर सकते हैं, पहले रेशियो में थे हम यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन कोई ना कोई नंबर जरूर होगा जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो अब ये एंगल बन चुके हैं और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 3x + 5x + 9x + 13x कितना निकल के आएगा, इक्वल टू कितना होगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, 5, 3, 8, 8, 8, 16 और 17, 17 और 13 कितना होता है 17 और 13 होता है 30। तो हमारे पास 30x = 360 हो गया। ठीक है, और x के लिए कितने आ गए, 360/30 याद है हमारे पास 12, x के लिए कितने आ गए हमारे पास 12 डिग्री आ गई। कह रहा है सबसे बड़ा एंगल बताना है, देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, 13x होगा, तो 13 × x के लिए कितने आए 12, 12 3 हो गया 36, 12 × 12 = 15, 156 डिग्री क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे रेशियो में जो क्वेश्चन होता है उसे हम पहले नॉर्मल एंगल नहीं मान सकते, लेकिन जैसे ही हमने किसी एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स हो ए हो आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो, तो हम फिर उसे एज एंगल यूज कर सकते हैं। और एंगल सम प्रॉपर्टी से कि क्वाड्रिलेटर के अंदर चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, एक्स की वैल्यू निकाल ली, सबसे बड़ा एंगल 13 तो है, अगर बोलते सबसे छोटा एंगल तो क्या होगा 3x, मतलब 12 × 3 = कितना होता है 36 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि PQRS क्या है, रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, इसकी चारों साइड क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, विथ QPS दे रखा 50 डिग्री एंड RQS निकाला। ठीक है, तो पहले रोम्बस बना लेते हैं हम। ठीक है, रोम्बस S इस तरह का होता है। ठीक है, तो हमने बना लिया PQRS। ठीक है, तो कह रहा है QPS 50 है, QPS ये वाला एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, और कह रहा है RQS निकालना है, RQS ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी कोई रोम्बस में जो दो कंटिन्यू जो एंगल होता है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये पूरा वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल निकल के आएगा 130। कितना निकल के आएगा 130। हमें ध्यान रखना है रोम्बस में जो होता है डायगनल जो होता है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है, तो अगर ये पूरा 130 निकल के आया तो ये वाला कितना हो जाएगा 65, ये वाला कितना हो जाएगा 65, तो एस आर क्यू आर या फिर आर क्यू एस कितना निकल के आएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, क्या कहते हैं, एज वी नो दैट एंगल क्यू पी एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री आ गई, और हमें पता है जो डायगनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये हाफ होगा ये हाफ होगा, तो एंगल आर क्यू एस इक्वल टू हाफ ऑफ 130 = 65 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखेंगे कि ये कुछ ऐसा सीन है, बी सी ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट में, कह रहा है शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, दिखाना है सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब है ये प्रूफ करना है बी ओ इक्वल टू ओ ए, क्या प्रूफ करना है बी ओ इक्वल टू ओ ए। ठीक है, बी ओ जो है इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ओ ए जो है इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, अगर मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो कह सकता हूं कि ये इसके इक्वल है बाय सीपीसीटी। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, दोनों ट्राइंगल को हमने ले लिया, देखो इसमें बी सी जो है बी सी इक्वल टू इसमें है ए डी, ये हो गए फर्स्ट, हमें को भी तीन बार बतानी होती है। ठीक है, ये वाला एंगल 90, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, ये हो गई दूसरी बात। एक और बात बताने हमें, देखो ध्यान से, एक और बात ये हो सकता है कि देखो ये जो है हमेशा दो परपेंडिकुलर जो होते हैं ना एक ही लाइन पे हमेशा क्या होता है पैरेलल होते हैं, ये ध्यान रखना, बी सी क्या है ए डी क्या है पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल हो तो ये जो जेड बनता है ऐसे करके, ये जेड बन रहा है, ये कह सकते हैं ये वाला एंगल ऐसे जेड बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होता है इस वाला एंगल के इक्वल होता है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग एंगल। ये ना करना चाहो तो ये भी कह सकते हो इसे ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोज्ड एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा सकते हो क्योंकि वर्टिकली अपोज्ड एंगल है, वरना ये वाला कह दो इसके एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि अगर कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये जो ऐसे के जो एंगल बनता है ये हमेशा आपस में इक्वल होता है, इसे ऑल्टरनेटिंग एंगल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल जो है सी इक्वल टू एंगल डी, तो हम कह सकते हैं देख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल जो हो गए ए ओ डी जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल बी ओ सी के, तो हम कह सकते हैं बी ओ इक्वल टू
OA by CPCT. CPCT मतलब corresponding part of congruent triangle. चलिए आप जो है सेक्शन नंबर सी है, सेक्शन सी के जो है आपके सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. एक सेक्शन सी के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये होंगे हमारे पास 10 क्वेश्चन इसके होंगे, ठीक है. कह रहा है सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रेशन. ये इसे सिंपलीफाई करना है तो बहुत सिंपल है. तो पहले क्या करना है आपको, 5 को लिखना है, फिर ये नंबर 2 प्लस में रूट 5, ठीक है. फिर प्लस में क्या है, रूट 7 है, रूट 7 लिखना है. फिर क्या है, 2 प्लस में रूट 5, ठीक है, इक्वल टू आ जाओ 5 रूट कितना हो गया 10, प्लस में 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया 5, रूट में 5 हो गया, प्लस में ये कितना हो गया 2 रूट 7 हो गया, प्लस में ये हो गया 7 5 35 हो गया, ठीक है. तो ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक्सपेंड करना, बाकी कुछ नहीं करना, छेड़खानी मत करना, इतना ही आंसर आएगा. एक्सपेंड करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन 14 पढ़ो, कह रहा है 2 cos, ये जो है चैप्टर नंबर 15 से प्रोबेबिलिटी से, कह रहा है 2 cos आर टोस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम. कॉइन को कितनी बार उछाला जा रहा है, 500 उछाला जा रहा है. कह रहा है 105 बार जो है दो हेड आए हैं, 275 बार जो है एक हेड आया, 120 बार जो है कोई हेड आया ही नहीं है. कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट. हर इवेंट का मैं क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है. तो टू हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, ठीक है. प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, दो हेड कितनी बार आया, 105 टाइम्स, और कितनी बार उछाला है, 500 बार, ठीक है. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 21/100. अब कह रहा है वन हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड की अगर मेरे को निकालनी है, इक्वल टू कितना आएगा, 275/500, इसे करेंगे 11/20. नो हेड निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड जो होगी कितनी निकल के आएगी, वो 120/500. 0-0 खत्म हो गया, 2 6 2 25 6 क्या हो गया, 25 हो गया. क्वेश्चन 15 जो है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. जो है मेरे ख्याल से आपका बुक का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है. तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर पे मीडियन जो है दे रखा डाटा का 63, ठीक है. और ये चैप्टर नंबर 14 से है क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये मैक्सिमम अगर 14 पे ना, अगर आप यही क्वेश्चन करके चले जाओ ना, तो यही क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाएगा, हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है. और ना सिंपल सा पेपर बनेगा, ज्यादा घबराने वाली बात है कि बच्चे सोचते हैं कि 9th में, बच्चे सोचते हैं कि 7 8 9 जो चैप्टर है और 10 जो है ये मतलब बहुत टेंशन चैप्टर है, कि मतलब इससे बहुत दिक्कत हो जाती है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो ना मतलब इसमें तो मान के चलो अगर 4 नंबर क्वेश्चन अगर आता है ना, तो 3 नंबर तो आप 7 8 9 10 में से ऐसे ही उठा सकते हो, ठीक है. तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है. तो पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है. कह रहा है पहले मीडियन दे रखा 63, ये तो पता चला है कि मीडियन का डाटा है, ठीक है. तो पहले मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने का तरीका होता है, गिनते हैं पहले, गिनो 1 2 3 4 5, ये पूरा एक टर्म है, 6 7 8 9 10, 10 है, 10 क्या है, इवन नंबर है. जब भी इवन होता है तो हम क्या होता है, जब भी इवन आता है तो एन अपॉन पे 2 ये नंबर, एंड एन अपॉन पे 2 प्लस में 1 ये नंबर, तो एन अपॉन 2 है, 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5th नंबर, एंड 6th नंबर, 5th और 6th हो गया. तो 5th नंबर क्या दे रखा है, x, और 6th नंबर क्या है, x प्लस में 2, ठीक है. तो 5th नंबर ये, 6th नंबर ये, तो जब दो नंबर निकल के आता है फिर उनका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं. तो x हमारे पास क्या है, x आया है, और क्या है, x प्लस में 2. तो इसका मीन इक्वल टू कितना रखा है, 63. ये 7 प्लस जाएगा, x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस में 2 इक्वल टू 60 को 2 से करें कितना आएगा, 126. तो 2x इक्वल टू हो गया 124, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 62 निकल के आ जाएगी, ठीक है. तो एक्चुअल कितनी है, 62. सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, घबराने वाली बात नहीं है. गिनना पहले कितने हैं, अगर ऑड है तो फॉर्मूला क्या होता है, ऑड के लिए n प्लस में 1/2, ये नंबर एक ही आता है ऑड के लिए. लेकिन जब जब इवन होता है तो n अपॉन 2 और n अपॉन 2 प्लस 1, n कितना 10, 10 अपॉन 2 मतलब 5, 5th नंबर 1 2 3 4 5, एंड 6th नंबर ये, तो इन दोनों का फिर मीन निकालना पड़ता है. तो x प्लस x प्लस 2/2 इक्वल टू मीडियन कितना आ गया, 63. तो ये 7 प्लस आ गया, ऐसे नहीं निकाल सकते, x की कितनी आ गई, 120. इसी के और में दे रख रहा आपको, या तो ये वाला क्वेश्चन करना था या फिर ये वाला क्वेश्चन करना है. कह रहा था पॉइंट ऑफ द कबड्डी टीम आया इतना, और इसका मीन निकालना और मोड निकालना. देख पहले बताता हूँ मोड क्या होता है. मोड ये होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसे मोड बोलते हैं. तो इसमें नंबर देखो कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, देखो 12 एक बार आया, फिर 12 दो बार आया, और 3 बार 12 आ रहे हैं, और 13 जो है एक और दो बार आ रहा है, ठीक है. तो सबसे ज्यादा देखा हमने क्या नंबर आ रहा है, 12 निकल के आया, तो मोड तो सीधे सीधा हो गया 12, कोई दिक्कत है नहीं. मीन निकालना, मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दो, बटे पर गिन लो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, ठीक है. तो सबको जोड़ना हमें 12 प्लस में 17 प्लस में 9 प्लस में 13 प्लस में 16 प्लस में 9 करके जोड़ दो 17 तक, बटे में कितना हमारे पास 9 नंबर है. जो भी आंसर निकल गया है वो सीधा ऐड किया जाएगा, उसका मीन हो जाएगा. इवेल्यूएट इतना बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी.
ठीक है, ये चैप्टर नंबर टू का 998 का क्यूब है। 998 को लिख सकते हैं हम 1000 माइनस पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, ये हो जाएगा a माइनस b का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर। a के हमारे पास 1000, b के हमारे पास 2, तो a और b की डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर वहां से बड़े प्यार से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो चैप्टर में 11 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 45 एंड एबी माइनस में एसी इक्वल टू 3.5, ठीक है। तो आपको रफली बताता हूँ क्योंकि मैं बना तो नहीं सकता, लेकिन रफली बताता हूँ करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन में दो सब्ट्रैक्शन होते, ध्यान रखना, ये पहले ट्राइंगल बनाकर देखते हैं, रफ रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसने बोला ए बी माइनस में ए सी, तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ना ये सीधा वाला है, मतलब ए बी माइनस में ए सी। कोको क्या होता है, ए सी माइनस में ए बी उल्टा बोलता है, तो उसके लिए अलग होता है, ये सीधा वाला है, सीधे के लिए अलग होता है। सीधा देखो ध्यान से बताता हूँ, बी सी कितना 8, तो खींच लो पहले, बी सी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल बी कितना 45, मान लो एंगल बी कितना बन गया ये 45 डिग्री। उसके बाद इसने बोला ए बी माइनस में ए सी कितना हो जाए 3.5, तो यहाँ से क्या करना है आपको 3.5 का आर्क मारना है, ठीक है, और उसको ज्वाइंट कर देना इससे, ठीक है। जिसको ज्वाइन कर रहे हैं उसी को बाइसेक्ट करते हैं, मान चलो बाइसेक्ट करा हमने, ऐसे आर्क मारोगे, ये हो गया बाइसेक्ट, और ये मान लो यहाँ जाकर जुड़ गया कहीं, ठीक है, तो उस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दोगे, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा ए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। दोबारा सुनो, बी से कितना 8 बनाया, बी से 45 बना दोगे, फिर कितना लाना 3.5, तो 3.5 का आर्क मारोगे, उसको ज्वाइन कर दोगे सी से, फिर उसी लाइन को बाइसेक्ट कर दोगे। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा कंपास को उठाते हैं, आधे ज़्यादा यहाँ आर्क, इधर आर्क, फिर यहाँ से इधर आर्क, इधर आर्क, ठीक है, तो और ऊपर ले जाएंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है एंगल बी इतना है, एंगल ए बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है वो करके जाना है, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसे हो नहीं पाएगा ये, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे, ये चैप्टर में 11 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ, क्वेश्चन 18 कहता है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान चलो ये दो लाइन के आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है प्रूफ करना है हमें कि एंगल जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल जो होता है इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल क्या है इस वाले के इक्वल है, ये प्रूफ करना। तो मान लो ये वाला एंगल 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस में 2, ये पूरा एंगल कितना निकल गया 180, और 4 और 3 कितना निकल गया 180, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 कितना हो गया, एंगल 4 प्लस में एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और 2 जो है 4 के इक्वल है, क्यों, एंगल जो 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर 2 4 के इक्वल है तो 1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल नंबर 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 10 का, ध्यान सुनना कैसे करते हैं इसे। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और दो इक्वल कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है और एक कॉर्ड ये है, ठीक है, और ये सेंटर है, ठीक है। कौन कौन से कॉर्ड है, ये ए और बी और पी और क्यू कॉर्ड है, और ये ओ सेंटर पे हो गया। कह रहा प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड इक्वल दे रखे, मतलब ए बी जो है इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, और कह रहा इक्वल सेंटर, मतलब प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, मतलब ए ओ बी ये वाला एंगल जो है पी ओ क्यू इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। देखो दो ट्राइंगल के अंदर आपस में ये चीज़ के इक्वल तभी होगी जब दोनों का करें कॉन्गेंट प्रूफ करेंगे, तो कॉन्गेंट प्रूफ करते हैं तीन बात, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, ओ पी जो है ओ ए के इक्वल है, ओ पी इक्वल टू ओ ए, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है, रेडियाई। उसके बाद ओ बी इक्वल टू ओ क्यू, ओ बी इक्वल टू ओ क्यू, ये भी क्या है रेडियाई है दोनों, ठीक है। और ये दे रखा है इक्वल, शुरू में दे रखा गिवन कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया पी क्यू, ये इक्वल कॉर्ड है, इसलिए तो हम कहते हैं बाय साइड 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 ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्गेंट हो गए, ठीक है। अगर ट्राइंगल कॉन्गेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है बाय सी पी सी टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 कह रहा है कि प्लॉट द एक्स कॉमा वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इन द ग्राफ, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं -3.5, 6.5 कोऑर्डिनेट है और -4.-3 के कोऑर्डिनेट्स, इसे हमें ड्रॉ करके दिखाना है। चलिए तो इसे ड्रॉ करते हैं कि ये एक लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, ये जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 और 6, जाएगा -1, -2, -3, ठीक है, माइनस का 4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। पहला कोऑर्डिनेट है -3.5, एक्स में -3, ये एक्स होता है, ये भी एक्स है, पूरी ये लाइन है वाई की और ये भी वाई की, एक्स माइनस यहाँ पर है -3 ये रहा, और वाई जो है +5 है ऊपर की तरफ,
तो ये हम जाएंगे ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है 6, -4, x जो है प्लस में 6 है और y नीचे आ जाओ माइनस में, तो 6, -4 इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है -4, -3, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, मतलब इधर -4x है और y क्या -3, तो ये x -4 और ये हो गया -3, तो ये तीन पॉइंट हो, 1, 2 और 3, तो हम इसको प्लॉट किया हमने इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x + 9 एज एन इक्वेशन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये जो पेपर बनाया ना काफ़ी अच्छा पेपर बनाया, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में डाले हुई है, ठीक है। तो अब ये दो पेपर जो है, देखो एक पेपर तो जो सॉल्व जो है मैंने करा दिया, दूसरा पेपर अगर हुआ तो मैं सुबह सुबह से अपलोड कर दूंगा, वरना अगर आप एक ही पेपर सॉल्व करके चले जाओगे तो लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो अपलोड, वो वाला क्वेश्चन पेपर ही अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सच में मान के चलो, क्योंकि साइंस का पेपर जिस हिसाब से देखा जाए ना, साइंस का पेपर आप लोगों का बहुत आसान आया, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैथ का भी पेपर बहुत ईजी ही आएगा, मतलब सरकार खुद नहीं चाहती कि बच्चा नाइन्थ फेल हो, क्योंकि पहले होता था, लास्ट पिछले 2 साल की बात अगर रिकॉर्ड उठा के देख लो तो नाइन्थ में काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन इस बार जो है पिछले साल का देखोगे तो नाइन्थ में बहुत बच्चे ऐसे बच्चे भी पास हुए जिनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा घबराओ, क्योंकि नाइन्थ में अब जो है गवर्नमेंट फेल नहीं कर रही, तो वो हमेशा ईजी नाइन्थ का अब जो पेपर बन रहा काफ़ी ईजी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिड टर्म पे भी आया था ये वाला क्वेश्चन, और पिछले साल भी आया था और इस साल भी आ सकता है। तो देखो ध्यान से, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस इतना एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, ठीक है। तो देखिए मैंने देखा 2x + 9 = 0, इसमें कितने वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x, ये प्लस का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 9, और x के लिए कितने आ गई, माइनस का 9/2 जो कि बढ़ता है -4.5, ठीक है। तो इसे वन में दिखाना, तो एक लाइन खींची मैंने बोला ये x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। -4.5 जो है -4 और -5 के बीच में पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा -4.5। इसने बोला अभी इन टू वेरिएबल को ध्यान से, मैंने जब यहाँ पर लिखा 2x + 9 = 0, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल है, वाई यहाँ पर एबसेंट है, इसका मतलब वाई को लिखना पड़ेगा। तो 2x + में मैं क्या करूँगा, y लिखा, लेकिन इस तरह से लिखना है कि इसका कोई मतलब ना रहे, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया साथ में, 0y + 9 = 0। अब वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, दो वेरिएबल दिख रहे हैं। अब जो चीज़ बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, अब जो ये बनेगा ये हो जाएगा हमारे पास ये -1 -2, हो यहाँ गंदा बन गया, चलो यहीं देख लो, ठीक है। अब ये 0 था ना, तो इसी लाइन किसी में आगे बढ़ा देता हूँ, ये जाएगा 1, ये जाएगा 2, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कितना, -4.5, कहाँ पर यहाँ लाई करेगा, तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, अब आपको लाइन खींचनी पड़ जाएगी यहाँ पर ऐसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक में बोला तो आपको सीधा आपने लाइन खींचा और बोला है -4 और -5 के बीच में, ख़त्म। लेकिन जब दो की बात होगी तो आपको ऐसे करके बनाना है, और ये पॉइंट अगर है हमारे पास तो वहाँ को उसको लाइन खींच के दिखाना, तो ये हो जाएगा दो वेरिएबल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन 21 जो है, इस क्वेश्चन को पहले उतार लो क्योंकि थोड़ा बड़ा है, मैं इसे आपको सॉल्व ही करा देता हूँ जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। पहले समझा दो क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विन इन विच AB इक्वल टू AC, AB जो है AC के इक्वल है, ठीक है। फिर कहता है BA इज प्रोड्यूस टू इतना सच दैट AD इक्वल टू AB, AD जो है वो AB के इक्वल है। तो अगर AD AC के इक्वल है, फिर AD AB के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। फिर कहता है शो दैट BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, BCD ये प्रूफ करना कि ये एंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे हम अलग से कर लेते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा कि DABCA जो है वो है, और ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। एक थ्योरम है इसमें कि इन ट्राइंगल ABC जो इक्वल साइड होते हैं ना, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड के ठीक सामने एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, और इसके ठीक सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब अगर AB जो है, इफ AB इक्वल टू AC देन एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा इसमें बोल रखा है कि AD इक्वल टू दे रखा है AC, ठीक है। AD के ठीक सामने अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और AC के ठीक सामने एंगल कौन सा है, ये वाला। इट मीन्स एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAT, ठीक है। एक मिनट, AD के ठीक सामने कौन सा एंगल है, ACD, ठीक है। AC के ठीक सामने कौन सा, ADC है, ये AD और C है, ठीक है, AD और C है, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए, ठीक है, ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए था,
180, तो एंगल डीबीसी डीबीसी प्लस में एंगल बीडीसी बीडीसी प्लस में एंगल बीसीडी बीसीडी इक्वल कितना जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, डीबीसी 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 या डीबीसी कह लो या फिर एबीसी कह लो, एबीसी जो है किसके इक्वल है, एसीबी के। तो यहां पर डीबीसी हमारे लिख सकते हो मैं एंगल एसीबी प्लस में फिर एंगल बीडीसी बीडीसी, ये वाला एंगल अभी हमने देखा इस वाले एंगल के इक्वल है एसीडी, एंगल एसीडी प्लस में एंगल बीसीडी इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। एसीबी देखो एसीबी ये वाला एंगल प्लस में एसीडी एसीडी ये वाला एंगल प्लस में वाला एंगल क्या होगा लिख सकता हूं, पूरा ये वाला एंगल बीसीडी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो गया एंगल बीसीडी इक्वल प्लस में एंगल बीसीडी इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री, एंगल बीसीडी इक्वल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल क्या थ्योरम लगा था यहाँ पर कि जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल था, इसके ठीक सामने वाला एंगल क्या हो गया इसके ठीक सामने इस वाला एंगल इक्वल, ऐसे ही वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, इन तीनों का जो सम है वो 180 होता है। ठीक है, इसकी जगह मैंने वाला एंगल लिख दिया, इसकी जगह मैंने वाला एंगल लिख दिया और इन दोनों को जोड़ने का फिर से बीसीडी आ गया, तो दो बीसीडी हो गए 180। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है शो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है रूट 3/4 एक्स स्क्वायर होता है, ये शो करना है कि एरिया जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो रूट 3/4 एक्स स्क्वायर होता है, जहां पर एक्स क्या साइड का। ठीक है, इसको हमें करना है हीरोन्स फॉर्मूला से, चैप्टर नंबर 12 का है, किससे करेंगे इसे हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, तो मैं वो करके बताया था कि इसे प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए एबीसी हमने ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, अगर मैंने इसे ए माना है तो ये भी ए होगा ये भी ए होगा, कैसे होता है हीरोन्स फॉर्मूला, पहले हम निकालते हैं एस, एस क्या होता है सेमी पैरामीटर, मतलब तीनों का सम अपॉन में टू, मतलब ए प्लस में ए प्लस में ए अपॉन पे टू इक्वल कितना आया 3a/2, फिर निकालते हैं एस माइनस में ए, मतलब पहली साइड एस कितना आया 3a/2 माइनस पहली साइड कितने हमारे पास ए है, तो एलसीएम में कितना आएगा 3a-2a/2 इक्वल टू आएगा a/2, ऐसे ही s-b निकालेंगे अगेन 3a/2-a/1 इक्वल टू a/2, फिर s-c निकालेंगे 3a/2-a/1 इक्वल कितना होगा a/2, तो ये भी a/2 ये भी a/2 ये भी a/2। ठीक है, तो जो एरिया जो होता है हीरोन्स फॉर्मूला से वो कितना होता है रूट में एस एस माइनस में ए एस माइनस में बी और एस माइनस में सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3a/s कितना है 3a/2 है, मतलब 3a/2 s माइनस ए कितना हमारे पास a/2 s माइनस बी a/2 और s माइनस सी कितना a/2, तो ये दो जोड़ा बाहर हो गए, मतलब a/2 इंटू पर a/2 तो बाहर आ गया, रूट में क्या रहेगा 3, a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, 2 क्या हो गया 4, क्या रहेगा रूट 3, तो रूट 3a/4 रूट 3a^2/4 क्या होगा इसका एरिया होगा। सॉरी मैंने गलती कर दी, साइड को x माननी थी, तो जहां पर a है वहां पर आप x माना, ये a की जगह सब जगह क्या आएगा x x आएगा, तो आएगा रूट 3x^2/4, तो इसे हीरोन्स फॉर्मूला से बड़े आसानी की तरह से कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है कह रहा है अब जो है सेक्शन डी स्टार्ट हो गए, जो सेक्शन डी जो है हमारे वो आपके एक मिनट बता रहा हूँ सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी जो है आपके सारे क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होंगे, तो क्वेश्चन 23 पहला देखते हैं, कह रहा है शो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रोम्बस जो है उसके डायगोनल्स क्या परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। ठीक है, तो मैं ऐसे करके बताया था आपको कैसे करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है रोम्बस हमने बना लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, जब भी आप नामकरण करो ना तो ध्यान रखना ए बी सी डी करना है, फिर ए बी सी डी एक पैटर्न पे होना चाहिए, ऐसे मत करना कि ए बी सी डी कर दिया आंसर, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे ना दिमाग में बिठा लो करते कैसे है कि मैं इन दो ट्राइंगल को ले रहा हूँ। ठीक है, इस ये ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी दो ट्राइंगल लिया मैंने। ठीक है, रोम्बस की सारो साइड बराबर होती है, मतलब ए डी इक्वल टू हो गया सी डी। ठीक है, रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाली साइड जो हो गई इस वाले साइड के इक्वल हो गई, मतलब ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ सी हो जाएगा, और ये साइड जो दोनों में कॉमन आ रहा है ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन, तो ये पहली बात, ये दूसरी और ये तीसरी, तो मैं कह सकता हूँ कि बाय साइड 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 ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉमन प्रूफ टू ट्राइंगल डी ओ सी, कॉमन प्रूफ हो गए, कॉमन प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, मतलब एंगल ए ओ डी जो है वो एंगल डी ओ सी के इक्वल हो गया। ठीक है, हमें पता ही वाला टोटल एंगल सम कितना होगा 180 होगा, एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल डी ओ सी कितना होगा 180 डिग्री होगा, ए ओ डी डी ओ सी के बराबर है,
तो ए ओ डी जो डी ओ सी जो है वहां पर भी हम ए ओ डी लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जैसे कहते हैं एंगल ए ओ डी जो है वो कितना आ गया 90 डिग्री, और एंगल ए ओ डी किसके बराबर डी ओ सी, ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमें दिखाना था कि रोम्बस के जो डायगनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो ये 90 प्रूफ करना था। तो याद करना जब भी 90 आएगा कोई भी दो ट्राइंगल उठा लो उससे कॉमन प्रूफ कर दो ये वाला एंगल इसके इक्वल, फिर लीनियर पेयर वाला पूरा सम 180 होता है वहां से ट्वाइस दिखा के वहां पर 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि इसे रेसलाइंस करना है, रेसलाइंस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रेसलाइंस का मतलब ये होता है जैसे डिनोमिनेटर को रेसलाइंस करना है, कहने का मतलब है कि जो भी नीचे नंबर दे रखा होता है ना उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, माइनस में रूट टू, यहाँ भी क्या आएगा 7 माइनस में रूट टू, ठीक है। उसके बाद 7 माइनस रूट टू को 1 से करें कितना आएगा 7 माइनस में रूट टू ही निकल के आएगा, ये हो गया ए प्लस में बी ए माइनस बी, मतलब होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 7 माइनस में रूट टू अपॉन पे 7 का स्क्वायर 49 माइनस में स्क्वायर रूट खत्म और ये आएगा 2, तो कितना निकल के आएगा ये 7 माइनस में रूट टू अपॉन पे 49 में से 2 कितना आएगा 47, तो ये निकल के आया 7 माइनस में रूट टू अपॉन पे 47। तो ये हो गया रेसलाइंस वाला। अब क्वेश्चन 25 पे आ जाओ, कहता है प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेंटर इज डबल द एंगल। देखो इसी का हमने अभी इस्तेमाल भी किया था, कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में अगर दो पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, उसी दो पॉइंट से अगर किसी भी आर्क पे अगर हम एंगल बनाए तो वो उसका क्या होगा हाफ होगा, मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल का डबल होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा इसका आधा होगा और ये वाला एंगल जो है इसका डबल होगा। तो ये ना सीरीज का थ्योरम जो है बुक में दे रखा, मैं नहीं करा रहा से, तो आप ये चैप्टर नंबर जो है वो 10 का थ्योरम है, 10.5 से पहले थ्योरम पढ़ता है, तो प्लीज आप वहां पर जाके इसे देख लेना और इंपॉर्टेंट भी है तो इस थ्योरम को आप वहां से याद भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 26 है, कह रहा है गिवन बिलो इज द डाटा ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन द डिफरेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटी जो है स्पोर्ट्स है, मेडिटेशन है, योगा है, वॉकिंग है, और ये नंबर ऑफ गर्ल्स स्पोर्ट्स की 40 है, मेडिटेशन की 35 है, इसकी 100 है, इसकी 120 है, ठीक है। कह रहा है ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा, इसके ऊपर क्या करना है बार ग्राफ बनाना है, तो आपको दिखाता हूँ बार ग्राफ कैसा बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। आप ध्यान से डाटा को देख लीजिए, जब भी ऐसा हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएंगे आपके, ठीक है। नंबर जो होंगे जैसे ये बनता है ना हमारे पास, यहाँ पर वाई एक्सिस पे आएंगे नंबर, जैसे हमारा नंबर कितना 40 ही है, 35, 100 और 120, तो आप कोई भी टेबल चुन सकते हो, मान के चलो 120 तक जाना, 20 का टेबल चुनता हूँ तो 0 फिर ये 20 फिर 40 फिर 60 ऐसा आप 20 तक चले गए, ठीक है। स्पोर्ट्स में कितनी लड़की है 40, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए स्पोर्ट्स में 40, ठीक है। फिर मेडिटेशन कितनी 35, तो अपने अंदाज से फिर क्या हो जाएगा 35, ऐसे करके आप बना सकते हो। ये याद रखना कि इसमें जो होगा आपका वाई एक्सिस में जो होगा वो फ्रीक्वेंसी आएगी, और ये जो चीजें होती है वो इस वाले चीज में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा कि ये लिया उसने फ्रीक्वेंसी जो है वाई एक्सिस पे गई 0, 20, 20, ये 40, उसके स्पोर्ट्स पे कितना बताया था 40, तो बस आपको 40 करना है। ये मॉडिफिकेशन कितना था हमारे 35, तो 35 अपने अंदाज से, तो ऐसे करके बार ग्राफ बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। बस ये याद रखना नंबर फ्रीक्वेंसी हमें तो वाई में लेनी है, बाकी चीज़ क्या इसमें लेनी है एक्स में लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन 27 जो है चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है, हीरोन फॉर्मूला, कह रहा है साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25, कह रहा है देन व्हाट इज इट्स अगर पैरामीटर 45 दे रखा है तो फाइंड द एरिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं करके बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। चलिए ठीक है, तो ए बी सी हमने ट्रायंगल ले लिया, रेशियो दे रखा था 12:17:25 और पैरामीटर दे रखा 45, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको रेशियो, जब भी रेशियो क्वेश्चन आता था हम क्या करेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे लेट द रेशियो बी मल्टीपल ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एक्स। तो क्या बन गया ये 12x बन गया कॉमन 70x, ठीक है, कॉमा 25x, ठीक है। तो पैरामीटर कितना 540, पैरामीटर मतलब तीनों साइड का सम, मतलब 12x प्लस में 17x प्लस में 25x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 540, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 29 प्लस में ये हो जाएगा 54x इक्वल टू 540, x इक्वल टू हो गया 540 अपॉन पे 54 करने पर आ गया x के लिए कितना आ गया हमारे पास 10 निकल के आ गई, x के लिए 10 निकल के आई है। पहला साइड था वो था 12x, 12 इंटू एक्स कितना 10, तो हो गया 120। दूसरा था 17 इंटू एक्स तो 170। तीसरा था 17 इंटू पर सॉरी 25 इंटू पर 10 कितना हो गया 250, ठीक है। तो अब क्या करना होता हमें, अब निकालना होता सेमी पैरामीटर एस। एस क्या होता है हमारे पास, अगर पी अगर पैरामीटर 45 है तो सेमी पैरामीटर कितना होगा 45 बटे पे 2 इक्वल आएगा 270 हो गया एस। फिर क्या निकालते हैं एस माइनस में ए कितना आएगा 270 माइनस में 120 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये
50, फिर निकालते हैं s माइनस में b, मतलब 270 माइनस में 170 कितना आ गया 100, फिर निकालेंगे s माइनस c, 270 माइनस में 250 इक्वल टू आ गया हमारे पास 20। फिर जो एरिया जो होता है वो कितना होता है, s s माइनस में a, s माइनस में b और s माइनस c, ठीक है। s की वैल्यू कितनी हमारे पास 270, 270 लिख सकते हैं 3 3 9 और 9 3 27 इंटू पर 10, 50 से लिखेंगे 3 5 15 इंटू पर 10, और फिर इसे लिखेंगे 10 इंटू पर 10, इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10, सारी वैल्यू डाल दी। देखो 2 3 3 बाहर चला गया, फिर 2 3 फिर 3 बाहर चला गया, 2 10 10 बाहर गया, 2 10 10 बाहर गया, क्या रह गया 5 रह गया और 2 रह गया, 5 2 से कितना हो गया 10, ये 10 हो गया और ये भी 10, तो 10 भी बाहर, ठीक है। तो 3 3 9 ये 0, तो ये जाएगा आपका इक्वल टू में 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा एरिया का। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, देन शो दैट दिस इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे। आपको क्वेश्चन ध्यान से देख लिया आपने कि अगर 3 नंबर को जोड़ने पर 0 आ जाए तो उन 3 नंबर का क्यूब जो है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा, ये मैं प्रूफ करके दिखाना है। चलो प्रूफ करके देखते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एनसीईआरटी में देखा होगा आपने, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला था कि इफ एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इक्वल टू जीरो है, देन प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम सीधे देखें, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितनी है 0, तो उसमें वैल्यू पुट करो 0, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितनी है 0, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz की वैल्यू कितनी जाएगी 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इक्वल टू जाएगा 3xyz, ये मैं प्रूफ करना था और ये हैंस प्रूफ। इसके और देखो पेपर में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट सा, ऐसा आता है कि माइनस 12 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब, कहेगा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो इसी फॉर्मूले से होता है, 3 नंबर का क्यूब करना है, तो हमें पता है 3 नंबर का जो क्यूब होता है वो सीधे सीधे होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, लेकिन कब, जब 3 को जोड़ने पर कितना आया 0, तो पहले चेक करते हैं कि 3 को जोड़ने पर 0 आ भी रहा नहीं आ रहा, तो माइनस 12 प्लस 5 प्लस में 7, तो माइनस 12 प्लस 7 5 12 इक्वल कितना हो गया 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या जाएगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 12 इंटू पर 5 इंटू पर 7, 12 तेरह 36 इंटू 7 पंचे 35, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 को 35 से करेंगे तो 30 5 15 18 6 5 30 3 3 9 10 11 12, जो भी आंसर आएगा देख लेना आप कितना आएगा इसका, जो भी आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपको माइनस में आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 जो है कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का जो है ग्राफ बनाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 4 का है। ग्राफ बनाने क्वेश्चन भी आते हैं काफी, तो मैं आपको बता ही देता हूँ ग्राफ बनाते कैसे हैं टू वेरिएबल के, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। चलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 जो है इसका हमें ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाना, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, जब भी ऐसे जो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इसलिए क्योंकि पावर कितनी है 1, तो लीनियर कहलाती है, और कितने वेरिएबल है 2, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया ये, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन, तो पहले ये पता होना चाहिए हमें क्या बनता है स्ट्रेट लाइन। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें कहना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन, देखो एक पॉइंट से जो है स्ट्रेट लाइन बहुत अलग अलग तरह के पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो दो पॉइंट से हमेशा जितनी बार भी ड्रॉ करो एक ही तरह का लाइन पास होगा। इसका मतलब हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसके भी दो पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए, आपको डब्बा बनाना है, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक बार वाई। एक बार अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, एक्स 0 पुट किया तो वाई कितना आ जाएगा 4, और अगर y को 0 पुट कर दिया तो x कितना निकल के आ जाएगा 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट चाहिए, दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं सिंपल सा, इसका ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 0 x है और y 4 है, तो ये वाला पॉइंट x 4 है y 0, तो ये वाला पॉइंट,
अगर हम इसे जोड़ेंगे ऐसे करके ये निकल के आएगा, इसके ऊपर लिखना आपको x प्लस में y इक्वल टू में 4। तो इस तरह से जो भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है आपको दो पॉइंट्स निकालने होंगे, तीन निकालो चार निकालो कितने मर्जी निकालो, पॉइंट हमेशा उसमें लाया करेगा, मिनिमम दो अच्छी होते हैं तो आपको भी केवल दो ही निकालने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 30 जो है वो चैप्टर में 13 क्वेश्चन है, कह रहा है अगर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम्स आर 5, 4 and 3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है आपको और व्हाइट वॉश कर रहे हैं। एक बात ध्यान से सुनना, जब भी हम व्हाइट वॉश करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं रूम बनाऊँ इसे ऐसे करके, जब भी हम किसी कमरे में व्हाइट वॉश पेंट करते हैं देखो, तो ये ऊपर वाला दीवार पेंट करते हैं हम लोग, साइड का भी कर लेते हैं चारों दीवार, लेकिन कभी भी हम नीचे पेंट नहीं करते, ये पता ना आप लोगों को, हम कभी भी नीचे इस वाले एरिया में कभी भी पेंट को नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है 5 है, ब्रेथ 4 है और हाइट 3 है। तो मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलो तो लेंथ दे रखा था हमें 5 मीटर, ब्रेथ दे रखा हमें 4 मीटर और हाइट दे रखा हमें 3 मीटर, ठीक है। टोटल सर्फेस एरिया जो होता है वो होता है 2 into LB प्लस में BH प्लस में HL, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि हमें नीचे का भी पेंट नहीं करते, तो हमें LB माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है टोटल का, मतलब पूरे के पूरे 6 दीवार का, लेकिन हमें एक दीवार में पेंट नहीं करना, तो इसलिए उसे माइनस करना पड़ेगा। और मान लो अगर दोनों तरफ से नहीं करना है तो 2 LB माइनस करना होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 into 4 प्लस में 4 into 3 प्लस में 3 into 5 माइनस में 5 into 4 ये आएगा 2, 5 हो जाए 20 प्लस में 4 है 12 प्लस में 5 है 15, ठीक है। और माइनस 5 हो गए 20, 2 into ये हो गया आपका कितना हो गया, ये हो गया 27 और ये हो गया 47 माइनस में 20, तो याद आएगा आपका 94 माइनस में 20, 94 में से 20 का कितना आता है हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास निकल के आ गया एरिया 74 मीटर स्क्वायर। फिर ये कह रहा है एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है 7 पॉइंट, कॉस्ट जो है कितनी दे रखी है आपको, एक मिनट, हाँ तो कॉस्ट दे रखे 7.50 एक मीटर स्क्वायर का। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है 74, तो टोटल कॉस्ट जो निकल के आएगा वो निकल गया 74 मल्टीप्लाई में 7.50 जो कि इक्वल होगा 555 रुपए की, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर आपका एक दीवार मिस है तो तुरंत माइनस में LB, ये टोटल का फॉर्मूला होता है उसमें LB कटाएंगे। और अगर आपको मान लो दो करना है, मतलब ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है, इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर भी खुला हो नीचे भी खुला हो, तो यहाँ पर 2 LB माइनस करना होता है। तो ये ध्यान रखना, बच्चे जल्दी जल्दी भी क्या करते हैं माइनस LB नहीं करते और आंसर का पूरा गलत हो जाता है। तो आपको चेक करना कि कैसा कंडीशन है, किस तरह केस है, उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए तो हमने ये देखा कि किस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से हमने सॉल्व किया, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था ये वाला, ठीक है। तो यकीन मानो पेपर जो है सच में इजी आने वाला है, तो आपको बिना घबराए जाना है। हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि पेपर को करना कैसे है। देखो पेपर को जो है कोशिश करना सीक्वेंस वाइज 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ही आपको आगे जाना है। और मान के चलो आपको पहला क्वेश्चन आता है, तो आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, लेकिन दूसरा नहीं आता, दूसरे के लिए जगह छोड़ दो, तीसरा नहीं आता तो जगह छोड़ो, फिर चौथा आता चौथा करो, फिर पांचवा छठा, ऐसे करके आपको सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी और सेक्शन डी तक ऐसे जाना है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो आपको पहले जल्दी से 10 मिनट के अंदर ये चेक करना है, ठीक, क्वेश्चन पर आया कैसे है, तो वह जल्दी से आप चेक कर लोगे, ठीक है। उसका सीधा आ जाओगे सेक्शन ए, लिखोगे सेक्शन ए क्वेश्चन में फर्स्ट, आपको आता है आपने कर दिया, नहीं तो गैप छोड़ दिया सेकंड क्वेश्चन को, फिर थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, ऐसे करके आपको डेढ़ घंटे के अंदर वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो मान के चलो 30 क्वेश्चन टोटल होता है, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से आपको पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। देखो बच्चे दोस्त क्या करते हैं कि पेपर हाथ में आता नहीं, फिर दोस्तों को देखना स्टार्ट करते हैं, और भाई पेपर कैसा आया है, ये है वो है, इशारे करके बातें करते हैं, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि पेपर चाहे टफ आया हो, बातें कितनी भी कर लो, पेपर आपको पूरा अटेंड करना है। और जितनी देर आप मुंडी पीछे घुमा के इधर उधर देखना स्टार्ट करोगे, उतनी देर में आप खुद से भी बना बना के कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको पीछे नहीं मुड़ना है, जब तक सारे क्वेश्चन वो जितने भी क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो ना हो जाए तो पीछे प्लीज मत मुड़ना, ठीक है। तो डेढ़ घंटे के अंदर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको सारा वो करना है जितना भी आपको आता है, ठीक है। अब मान के चलो डेढ़ घंटे आपको सारा कर लिया, अब कुछ कैसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़े में आते हैं लेकिन थोड़े बहुत नहीं आते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 का कोई क्वेश्चन है, तो हमने क्या करा, डायग्राम बनाया, ठीक है, डायग्राम बनाया, लिख दिया कि ये ए इक्वल टू बी दे रखा है, ये गिवन है हमारे पास, फिर नीचे आ गया क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिख दिया हमने, फिर स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कि ये गिवन है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, करके लास्ट में थोड़ा सा गैप दे के लास्ट में अपने आप से मतलब कि ये दैट्स व्हाई दिस इक्वल टू दिस हैंस प्रूफ्ड, ठीक है।
करके छोड़ देना, क्योंकि टीचर जो है जल्दी जल्दी चेक कर रहा होता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार वो पढ़ रहा होता है। तो आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। अगर आपने पूरे 30 के 30 क्वेश्चन अगर अटेंड कर लिए, 15 आते थे और 30 के 30 अटेंड हो गए, तो मान के चलो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। बच्चे में से कहता है कि छोड़ दिया, अगर मान के चलो छोड़ दिया तो टीचर नंबर किस बात का देगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन को उतारना है, थोड़ा सा उसका सोल्यूशन लिखना है, कुछ तो आता ही होगा यार, पूरे एक साल हमने पढ़ा होता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता। लेकिन हम ना कॉन्फिडेंस इतना लूज कर जाते हैं, इतना डरे होते हैं ना कि आई हुई चीज़ को भी हम भूल जाते हैं। तो डरने की बात क्या है, एग्जाम ही तो है, एक एग्जाम वैसे भी हमारा कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको बिना डरे बेखौफ होकर वहाँ पर जाना है, ठीक है। लंबी सांस लेनी है, 1.5 घंटे में पूरा पेपर डालो जितना तुम्हें आता है। उसके बाद क्या करना है, जितना खुद से हो सके उतना बना बुनो के कर लो एक आध क्वेश्चन। फिर क्या करना है, अगर टाइम आपके पास फिर भी 1 घंटा रह जाता है लास्ट में, तो आप जो दोस्त यार हैं आपके आगे पीछे से, कोई आगे दो जो दो दोस्त बैठते हैं, इनको कुछ आ रहा होता है, तो आप अगर ऐसा है मौका मुड़ने का, तो आप उन्हें वो दिखा के उनसे वो चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस है, तो फिर क्या करना है, आपको लंबी सी सांस लेनी है, पेन को उठाना है और तब तक नहीं रोकना जब तक कि सारे क्वेश्चन ना कर दो। अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन करो, आपको आते हैं, एक साल सबने पढ़ा होता है, क्लास भी अटेंड करी होती है, लेकिन हमारा माइंड हमें ये कहता है कि अगर पेपर के आपने एक दिन पहले नहीं पढ़ा हुआ मतलब हमें नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें आता सब कुछ है, ठीक है। तो आपको सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, बिल्कुल आराम से मजे मजे में करते करते, और बिल्कुल आगे पीछे दोस्त दोस्त से बातें याद रखना बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जहां आपने बातें करी वहीं टाइम निकलना स्टार्ट। तो कोई अगर दोस्त डिस्टर्ब करता है तो सीधा टीचर को बोलो कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी शीट चेंज करो या इसकी शीट चेंज करो, ठीक है। तो पूरा पेपर करने के बाद अच्छे से आपको पेपर कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको, अगर कल सुबह भी कोई बंदा पूछना चाहता है तो वो बंदा ही पूछ सकता है, ठीक है। मैं आपको नंबर जो है व्हाट्सअप का वो आपको दे दूंगा, तो किसी को अगर सुबह कॉल करके कोई क्वेश्चन पूछना तो व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको तुरंत उसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। और सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम, अच्छे से आपको पेपर करना है, और आके मेरे को कमेंट कर जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, और उस पेपर का जो सोल्यूशन होगा मैं आने के बाद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आपके साथ अच्छा हो जाएगा बिल्कुल पेपर भी, ठीक है। छोड़ के मत आना, क्योंकि छोड़ के अगर आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया ज्ञानी कीड़ा को, और इसी तरह ज्ञानी कीड़ा के साथ बने रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से करिए, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप नए हैं, पहली बार इस पेपर को आपने देखा है, तो चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो आपके सब्सक्राइब करने से जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कंटेंट जो है वो आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो फिर मेहनत करना हमें बहुत अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करने से किसी का कुछ घटता नहीं है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए, बने रहिए ज्ञानी कीड़ा के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग ज्ञानी कीड़ा।